गाइज अगर आप ग्रैंड आरपी या फिर किसी भी दूसरे आरपी सर्वर में खेल खेल कर पक गए हो तो इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे सर्वर के बारे में जो कि ग्रैंड आरपी जितना अच्छा है लेकिन ग्रैंड आरपी जितनी बुराइयां नहीं है भाई इसमें। मतलब यहाँ पर आपको डेड लोग नहीं मिलेंगे जो कि ऑनलाइन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उन्हें प्रीमियम करेंसी चाहिए जैसे कि ग्रैंड कॉइंस वगैरह। और यहाँ पर कोई भी लूट बॉक्स सिस्टम नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर आरपी होती है, काफी रियलिस्टिक है, कोई रैश ड्राइविंग भी नहीं करता। तो सर्वर का नाम है जीटीए हब। हाँ, नाम सुनकर ऐसा लगता है कि विदेशी लोग भरे होंगे यहाँ पर, लेकिन नहीं, सर्वर वन के अंदर आधे से ज्यादा लोग इंडियंस ही है भाई। तो जब तक वीडियो देख रहे हो डाउनलोड कर लो, कैरेक्टर क्रिएशन के टाइम पे मेरा रेफरल कोड यूज करना जीनोम GENOME, इससे आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे जो कि बहुत काम आने वाले हैं गेम के स्टार्ट में। और हमारे फैमिली डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना इंस्टेंटली फ्रेंड्स बनाने के लिए सर्वर के अंदर। तो GTA हब रोल पे सर्वर बेटर क्यों है इस पे बहुत ही लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो नॉर्मल आरपी सर्वर से ज्यादा रियलिस्टिक है ये। फॉर एग्जांपल यहां पर जो बैग्स हैं वो भी बहुत रियलिस्टिक हैं। पहले बैग को उतारकर जमीन पे रखो, उसके अंदर सामान भरो, फिर उठाओ और उसके बाद लेकर जाओ। कार्स में भी आप YouTube का म्यूजिक प्ले कर सकते हो, घरों को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, और कस्टमाइजेशन भी ऐसी वैसी नहीं, रूम्स बना सकते हो, फ्लोर्स बना सकते हो भाई। खैर लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनके प्रिजन सिस्टम के बारे में जो कि इनका वन ऑफ द मोस्ट डिटेल और इम्प्रेसिव फीचर है। रिसेंटली गेम को अपडेट किया गया था और अपडेट के बाद अभी प्रिजन जाओगे आप तो भाई बहुत रियल कर दिया गया इसे। तो GTA आपके प्रिजन में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एक्टिविटीज मिल जाएंगे जो कि रेड और ग्रीन कलर से मार्क्ड है। रेड कलर वाले एक्टिविटीज बैड बिहेवियर एक्टिविटीज है एंड ग्रीन वाले गुड बिहेवियर एक्टिविटीज। बैड बिहेवियर एक्टिविटीज में आपको इनमेट्स के लिए ड्रग स्मगल करना होगा, उन्हें सिगरेट ले जाकर देना होगा, लिटरली किसी इनमेट को मार डालना, किसी का सामान चोरी कर लेना या फिर किसी को पीट ही देना भाई। इन बैड बिहेवियर एक्टिविटीज को करके आपका प्रिजन के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ता है एंड सजा भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब भाई मुझे तो सिर्फ 15 मिनट्स की ही सजा मिली थी इनिशियली, लेकिन बैड बिहेवियर वाले एक्टिविटीज करते करते भाई घंटों का प्रिजन टाइम मिल गया मुझे, और मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि बैड बिहेवियर एक्टिविटीज करके हमारे कैरेक्टर का रिस्पेक्ट बढ़ता है और प्रिजन में रिस्पेक्ट बढ़ने से सीक्रेट अंडरग्राउंड लोकेशन का एक्सेस मिल जाता है जहां फाइट्स होते हैं, इलीगल सामान बनाया जाता है और क्या क्या नहीं होता भाई यहां पे, गन्स एंड ड्रग्स भी बनाए जा सकते हैं यहां पे। गन्स का तो समझ में आता है, लेकिन जो ड्रग्स है ना वो क्या ही चीज है भाई। ड्रग्स बनाने के लिए आपको काफी सारा सामान चाहिए होगा जैसे कि मशरूम, मेडिसिन, टॉयलेट पेपर या फिर फ्रूट्स एंड और भी छोटी मोटी चीजें चाहिए होती है। तो ये सारा सामान आप बैड बिहेवियर एक्टिविटीज करके तो कर नहीं सकते क्योंकि आपको फार्मेसी में अच्छा रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। फिर ये जो वुड काटने वाली जगह है यहाँ पे भी आपको अच्छा रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। तो इवन तो अगर आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाए और आप ये सीक्रेट अंडरग्राउंड लोकेशन का एक्सेस पा जाते हो फिर भी आपको ड्रग्स बनाने के लिए गुड बिहेवियर एक्टिविटीज करने पड़ेंगे जैसे कि दूसरे इनमेट्स के कपड़े धोना, लकड़ी काटना, दीवार साफ करना, ये सब काम करोगे भाई आप। ये सब करके आपको गुड बिहेवियर टिकट्स मिलेंगे जिससे आप ड्रग्स बनाने का सामान ले सकते हो फार्मेसी से और दूसरे जगहों से। एक बार सामान मिल जाए उसके बाद भाई भर के बैड एक्टिविटीज करो। सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाने के बाद सीक्रेट अंडरग्राउंड जगह पर जाओ, यहाँ आप काफी सारे ड्रग्स बना सकते हो जैसे कि वीड एडिबल्स, LSD, हूच एंड PCP वगैरह। तो काफी सारे एक्टिविटीज हैं यार प्रिजन के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको गेम के अंदर सजा हो जाती है तो आप बाहर की दुनिया से कुछ भी मिस आउट फील करोगे। प्रिजन के अंदर जो भी आप गन्स या फिर ड्रग्स बनाओगे ना वो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को बोल के बाहर भी भिजवाया जा सकता है, फिर आप उधर यूज कर पाओगे उन सारे ड्रग्स को। टोटल 5 टाइप के ड्रग्स बनाए जा सकते हैं और पांचों का इफेक्ट डिफरेंट है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ही फीचर बताया GTA हब रोल प्ले सर्वर का। आप भी इसे डाउनलोड करो और हमारे साथ में खेलने आ जाओ भाई, फ्री है ये। एंड यूज कोड जीनोम फॉर एक्स्ट्रा कैश। एंड GTA में बिगनर हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो।